हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपको बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइको लिमिटेड, जो एंगेज है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लस्टर्स और अदर एलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। तो आप सोच सकते हो कि जितने भी आपका ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स है, वो OEM थ्रू रिप्लेसमेंट भी होता है मार्केट में। ये सारा काम काज करता है बिजनेस कौन? कोयम्बटूर तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है प्राइको लिमिटेड। प्राइको लिमिटेड आज देख सकते हो कि 5.29% आज के ट्रेडिंग सेशन में अप गया है, 194 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप देखा जाए तो 2365 करोड़ का है और ये स्मॉल कैप कंपनी के बिलोंग करते हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 194 में है, हाई एंड लो देखा जाए तो 219 इसका हाई है, 52 वीक हाई और लो है 88। तो देख सकते हो कि अभी भी इस स्टॉक आपका 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी देखा जाए तो 22.6 है, बुक वैल्यू 53.6 है, डिविडेंड देता नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत अच्छा खासा है, 14.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5 है, फेस वैल्यू देखा जाए तो 1 है। और टेक्निकली देखा जाए तो एक रिवर्स मतलब बाउंस दे रहा है, जैसे निफ्टी नीचे आया था ये स्टॉक भी नीचे आया था, अभी एक बाउंस दे रहा है। और जब भी ये स्टॉक 50 डेज के DMA के ऊपर ट्रेड करता है तो एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाता है। डेप्थ रिड्यूस किया है कंपनी ने और डिलीवर गुड CAGR लास्ट 5 ईयर से मेंटेन करके रखा है 43.7 कंपनी में। हाँ, कुछ आपका कंक्लूजन आप देख सकते हो कि लो रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड के चलते ये स्टॉक भी थोड़ा आपका अंडर परफॉर्म कर रहा था और रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स, लेकिन फिर भी आपका बॉस ट्यूब इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब इसका मदर सन वायरिंग ये सब इसका पीयर कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गिरावट हुआ था सेल्स में, 474 करोड़ का हुआ था और एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम हुआ था, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया था। सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो 62 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ में है। अदर इनकम देखा जाए तो बहुत ही कम हुआ था, इसलिए नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का था, अभी 27 करोड़ का है। EPS देखा जाए तो EPS आपका 2.20 का हो गया है, जो पहले क्वार्टर में आपका देखा जाए तो 3.90 में है। स्टॉक आपका फिर भी आपका अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका ड्यू टू आपका निफ्टी नीचे गया था तो ये स्टॉक भी थोड़ा सर्वाइव किया था, बाकी आधार इनकम नहीं हो पाया। सेल्स लगभग सही है, 2-3 करोड़ या 20 करोड़ इधर उधर हो जाए तो बहुत बड़ा जंप नहीं होता है दोस्तों। तो इंटरेस्ट भी ठीक ठाक पे किया है, थोड़ा कम पे किया है। नेट प्रॉफिट में मार्जिन भी ठीक है, नेट प्रॉफिट में आपका 55 करोड़ हुआ ईयर बिल्ली बेसिस पे। स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो 3 ईयर्स में 90% और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में थोड़ा माइनस में दिखा रहा है, लेकिन TTM के हिसाब से 1% दिखा रहा है। तो स्टॉक कंपाउंड ग्रोथ 33% का है। कुल मिला के ये कह सकते हो कि मिड रेंज परफॉर्मर है, वन टाइप ऑफ कैश फ्लो का बिजनेस। कैश फ्लो में अभी माइनस में है, -16 में है मार्च 2022 का नेट कैश फ्लो जो है, और बाकी डेप थोड़ा कम हुआ है। डेप का देखा जाए तो डेप्टर स्टेज में थोड़ा सा आपका कम हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का पास 36.53 और FII के पास थोड़ा सा बढ़ा है, तो FII बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेके। FII अपना होल्डिंग बढ़ा ही रहा है और सबसे ज़्यादा DII बुलिस है, 2.98% से आपका 4.35%, मतलब पब्लिक से सारा माल DII और FII भर भर के माल उठा रहा है। तो ऐसा ही स्टॉक है दोस्तों प्राइको लिमिटेड, जो मिड रेंज परफॉर्मर है और 118 मतलब दुगना कर दिया है अपना 52 वीक लो से। हाई वॉल्यूम में आज ट्रेड हुआ है और 250 का टारगेट रहने वाला है अपसाइड, जो 28% का टारगेट आपको आने वाले टाइम पे रहने वाला है। और 63% निफ्टी के कंपेयर में 1 साल में रिटर्न दिया है। और देखा जाए कि पॉजिटिव ट्रेंड में है कि नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव में 14 है और नेगेटिव में 9 है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे दिया है दोनों के दोनों एनालिसिस, तो 250 का टारगेट आपको बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, आपको सिर्फ बने रहना पड़ेगा इस स्टॉक को बाई करके। तो 250 का टारगेट आपको मई लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और दिसंबर क्वार्टर का तो सारा मैं बता ही दिया हूँ। अर्निंग पर शेयर का अभी देखा जाए तो एनुअल रेवेन्यू 9.3% है लास्ट ईयर का और 1,553 करोड़ का पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है।
रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा नेगेटिव है, बाकी प्रोमोटर प्लेसिंग भी जीरो है और देखा जाए तो अच्छा खासा एक फास्ट सपोर्ट के ऊपर, फास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने तोड़ दिया। फास्ट सपोर्ट 182 है जो काफ़ी अभी 190 बन गया है इसका फास्ट सपोर्ट। RSI आपका 45.2 है और MFI 33, तो यहाँ भी एक ओवरसोल्ड जोन से भी ऊपर है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाएगा स्टॉक। म्यूचुअल फंड और बाकी आपका देख सकते हो आदित्य बिरला भी बाई करके बैठा है म्यूचुअल फंड, तो बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि FII और DII दोनों माल भर भर के उठा रहा है। बाकी स्टॉक में ख़राबी कुछ नहीं है और सेल्स ग्रोथ और बढ़ेगा, तो 250 का नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है ICICI डायरेक्ट की तरफ से, तो 250 टारगेट आपको मई लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो तो बाई कर सकते हो, जो लोग पहले से बाई करके रखे हो तो उनको होल्ड का सलाह रहेगा अगर ऊपर लेवल में बाई किए हो तो, और जो लोग पहले से बाई करके रखे हो हाई एवरेज कर सकते हो पैसा अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो होल्ड का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाई करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल कर सकते हो। 250 का टारगेट रहेगा मई लास्ट तक।